गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल्स। टुडे इज माई टॉपिक्स कलेक्शन। सो आज हम बात करेंगे कलेक्शन टॉपिक से, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू के लिए। और आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाते हो आप, वो सभी डिपेंडेंट होते हैं कलेक्शन पे। तो आज हम वेरी वेरी क्विक रिविजन करेंगे कलेक्शन का, और इतना ईजी से मैं आज बताऊँगा ताकि आप कलेक्शन ईजिली समझ जाओगे कि कलेक्शन का यूज कहाँ होता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहले हम सबसे पहले बता दें आपको कि कलेक्शन होता क्या है। कलेक्शन का मतलब होता है कि मल्टीपल कलेक्शन, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को आप एक साथ कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एन इजी वे टू मैनेज द ऑब्जेक्ट, एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब ये हुआ कि आपके पास हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, डुप्लीकेट, यूनिक किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, आप उसे हैंडल कर सकते हो। सो पहले हम बात करेंगे कलेक्शन का यूज क्या है, एंड व्हाट इज द कलेक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ द कलेक्शन, व्हाई यू लर्न कलेक्शन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन हायरार्की, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। ओके, सो कलेक्शन, सबसे पहले हम समझते हैं कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है। कलेक्शन मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि एज द नेम इंडिकेट कलेक्शन, ए कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप ग्रुप कहो या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कहो या डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कहो, सभी सेम होते हैं। नॉन एज एट्स एलिमेंट, आप उसके एलिमेंट से जानते हो। एग्जाम्पल्स ऑफ द कलेक्शन आर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप कहोगे कि अच्छा चलो बताओ कि कलेक्शन होता क्या है, कहाँ यूज करें कलेक्शन का अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आपको इसे सोचना है, तो आप बोल सकते हो कि लिस्ट ऑफ द ईमेल आईडी। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे ईमेल आईडी हैं, अगर उनको कलेक्ट करना है या लिस्ट आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। उसी तरह लिस्ट ऑफ द नेम्स, लिस्ट ऑफ द फोन नंबर्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स या रिकॉर्ड्स ऑफ द बुक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट को लेते हैं, तो स्टूडेंट के पास क्या होता है, रिकॉर्ड, उसका नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, उसका फी हो गया, ये सारी चीज़ें हम एक ऑब्जेक्ट में रखेंगे। एंड उस ऑब्जेक्ट को हम एक लिस्ट बना करके, एक कलेक्शन बना करके उसमें हम स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल्स ये आपके पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में आपको मल्टीपल जगह है। ओके, तो आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट का और इसमें स्टोर कर दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें स्टोर कर दिया। सो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और इस लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स के बुक, जैसे हो गया तो बुक के पास क्या होता है, बुक का नेम, ऑथर नेम, प्राइस, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको एक कलेक्शन में स्टोर करेंगे। सो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के डेटा को आप स्टोर कर सकते हो एक कलेक्शन में। एक फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि व्हाट इज द कलेक्शन, सो वी कैन से दैट द कलेक्शन इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, यूनिक एंड डुप्लीकेट काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। आप कह सकते हो ऐसा। नेक्स्ट क्या होता है, हाउ जावा सपोर्ट कलेक्शन। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हाउ जावा सपोर्ट कलेक्शन। टू हैंडल सच कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जावा ऑफर अस ए हग सेट ऑफ द प्री डिफाइंड क्लासेस। टू हैंडल सच कलेक्शन, अगर आपको कुछ कलेक्शन को हैंडल करना है ऑब्जेक्ट, जावा ऑफर्स हग मतलब बहुत सारे हग सेट ऑफ द प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस एज द कलेक्शन फ्रेमवर्क। सो कलेक्शन एक कोई लाइब्रेरी जैसा नहीं है, एक अलग फ्रेमवर्क है जो अलग से हम लोगों को एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा क्लासेस प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम इजीली अपने ऑब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। सो रियली कलेक्शन इज वेरी पावरफुल। इफ यू नो कलेक्शन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप रियल टाइम में प्रोजेक्ट भी बनाते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न फ्रेमवर्क कलेक्शन।
और कलेक्शन से ही मतलब खास करके यूज होता है कलेक्शन इन द डिफरेंट प्लेस यू कैन यूज ओनली कलेक्शन सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अवेलेबल इन द पैकेज java.util. java.util पैकेज के अंदर ही ये अवेलेबल होता है इसके पूरी क्लासेस इट इज कॉल्ड कलेक्शन. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई डू यू नीड टू लर्न कलेक्शन. क्यों जरूरत पड़ा, व्हाई डू यू नीड टू लर्न कलेक्शन, हमें नीडी क्यों है इसको लर्न करने का, क्यों पढ़े कलेक्शन, दैट इज द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन माइंड ऑफ एवरी प्रोग्रामर इज व्हाई शुड आई यूज कलेक्शन क्लासेस व्हेन आई हैव एन एरे. यू हैव ऑलरेडी एरे देन व्हाई आर यू गो फॉर द कलेक्शन. सो आप कह सकते हो कि कलेक्शंस और एरे में क्या डिफरेंस है हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो अगर हम एरे और कलेक्शन में जैसे ही डिफरेंस बताएंगे तो आप समझ जाओगे कि कलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल कि आप एरे यूज करते आ रहे हो तो एरे में क्या होता था कि एक सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को स्टोर करता था, ठीक है, लेकिन कलेक्शन डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है. सो एक एक्स्ट्रा फीचर्स है. सो जितने भी मतलब कि डिसएडवांटेज है एरे के पास, जितना डिसएडवांटेज है एरे के पास उतना ही एडवांटेज है कलेक्शन के पास. सो कलेक्शन इज मोर बेटर देन एरे. तो आप हमेशा प्रोजेक्ट में चूज करते हो कलेक्शन न कि एरे. सो डेफिनेटली एवरीवन सजेस्ट टू यू गो फॉर द कलेक्शन, डोंट गो फॉर द एरे. आई विल टेल यू ऑल्दो एरे आर द वेरी यूजफुल डेटा, एरेज आर द वेरी यूजफुल डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर, बट दे सफर फ्रॉम सेवरल इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक. इस पॉइंट को आप याद रखो कि एरे तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके पास कुछ ड्रॉबैक है, कुछ कमियां हैं. इट्स हैविंग सम ड्रॉबैक विच आर, जो क्या है, साइज. द साइज नीड टू बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन. जिस समय में आप एरे डिक्लेयर करते हो You have to declare the size also. और उसी समय में आपको साइज को भी डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करते हो तो एरर. ओके, सो कैन ओनली बी यूज इफ यू नो बिफोर हेड हाउ मेनी एलिमेंट्स मार्क दिस पॉइंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स वी वुड बी स्टोरिंग. यदि इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट द हाउ मेनी एलिमेंट्स आई वॉन्ट टू स्टोर, यानी कि आप ऑलरेडी अगर जानते हो कि मुझे कितना स्टोर करना है, देन यू कैन गो फॉर द एरे, अदरवाइज चूज कलेक्शन, बिकॉज कलेक्शन इज डायनेमिक्स इन नेचर. सो इट इज ए डायनेमिकल ग्रोएबल्स बट एरे इज नॉट. सो दैट इज सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ द एरे. नेक्स्ट इज रीनेम्स या रिमेन्स ऑफ द फिक्स साइज. एरे का क्या होता है कि फिक्स साइज होता है, बट कलेक्शन का ग्रोएबल होता है, वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा. आप जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करोगे तो वो अपने हिसाब से अपने साइज को इनक्रीज कर लेगा. थर्ड क्या है, वेरी डिफिकल्ट टू ऐड और रिमूव एलिमेंट्स इन बिटवीन. एरे में क्या होता है कि आपको किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना और डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है. वेरी डिफिकल्ट टू ऐड एंड रिमूव. ऐड देखो दो यहाँ पे फंक्शन है, ऐड एंड रिमूव. क्यों ऐसा हुआ, ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स इन बिटवीन वेरी डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि आपके पास एरे के पास कोई ऐसा मेथड नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके थ्रू आप ऐड कर सको या रिमूव कर सको. यू हैव नो एनी मेथड टू ऐड एंड रिमूव द एलिमेंट्स इन एरे, बट कलेक्शन हैविंग दिस. सो दैट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ कलेक्शन. फोर्थ इज No predefined methods for performing common operation. कोई predefined method नहीं है एरे के पास जिससे आप परफॉर्म कर सको ऑपरेशन को, लाइक सर्चिंग sorting, क्या है सर्चिंग sorting एंड रिमूविंग. इस प्रकार के कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो क्योंकि एरे के पास कोई ऐसा मेथड है ही नहीं. सो नो वन मेथड्स आर हैविंग सर्चिंग sorting, रिमूविंग लाइक दैट इन एरे, बट collection having all the method to perform the operation very easily. So that is the four drawback of array and four advantage of the collection.
I hope you understood what is the collection, what is the use of the collection, what is the need of the collection, where you go for the collection, and how better than collection is compared of array. Okay. Next, advantage of collection. Can dynamically grow or shrink? Yes. Advantage of collection. Can dynamically grow and shrink? Yes. Reduce programming effort? Yes. Increase program speed and quality? Yes. Provides predefined method to perform all crude operation. So, देखो इसके पास इतने सारे advantage है. Dynamics growable होता है. Reduce programming effort करता है. Increase the program speed quality. Provide the predefined methods to perform the crude operation. Crude operation, it means that insert, delete, update. Like that operation we can perform. This is crude operation. And update also. And the fifth is, can work with object only. आप केवल object के साथ work करोगे. It cannot store predefined type of the value. क्योंकि collection के पास कोई ऐसा technique ही नहीं है जिससे कि आप store कर सको predefined value. आपको object में convert करके किसी भी value को इंसर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एरे प्रीडिफाइंड वैल्यू को भी ले लेता है, नो प्रॉब्लम. बट सिंस फ्रॉम जावा फाइव वी हैव ए फीचर्स कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग, सो वी आल्सो कैन स्टोर प्रिमिटिव वैल्यू इन ए कलेक्शन. सो जावा फाइव के पहले हम लोग प्रीडिफाइंड डेटा को ऐड नहीं करते थे, लेकिन जावा फाइव के बाद वी हैव ए फीचर कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग, सो वी कैन स्टोर प्रिमिटिव वैल्यू इन ए कलेक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड. Okay, so these are the advantage of the collection, and because of this, collection framework is coming in these pictures, and it is give more value for the programming, and it is very easy. Types of the collection. So actually collections or map, ये दो different area हैं, इनको दोनों को मैं collaborate नहीं करूँगा, दोनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे, next video में हम लोग पढ़ेंगे map को, लेकिन फिलहाल हम पढ़ते हैं collection के बारे में. सो कलेक्शन क्या होता है कि कलेक्शन का थ्री मेन टाइप्स है, टाइप्स नहीं कर सकते, उसका हायरार्की है जो इसको इम्प्लीमेंट एक्सटेंड किए हुए हैं. कलेक्शन इज ए नथिंग बट वन क्लास, एंड इसको क्या हुआ है एक्सटेंड किए हुए हैं, ये सभी क्या है इंटरफेसेस हैं. कलेक्शन और कलेक्शंस, मेन थ्री टाइप्स ऑफ द कलेक्शंस. ओके, सो लिस्ट, यू हैव ए लिस्ट, सेट एंड मैप. तो लिस्ट, सेट्स एंड मैप्स. लिस्ट ऑलवेज ऑर्डर्ड, ये क्या होता है एक ऑर्डर में होता है. मे कंटेन डुप्लीकेट, कैन बी हैंडल, ये क्या करता है डुप्लीकेट स्टोर कर लेता है. एंड सेम वे एज यूजुअल एरे, और एरे के जैसे ही बिहेव करता है. तो ये हो गया लिस्ट. सेट में क्या होता है, इट कंटेन डुप्लीकेट्स एंड प्रोवाइड रेंडम एक्सेस टू द एलिमेंट. इसमें क्या होता था कि ऑर्डर, आप वन बाई वन किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सेट में आप रेंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो डेटा को, किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो. बोथ आर डुप्लीकेट स्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता है. यहाँ पे देखो, लिस्ट विल कंटेन डुप्लीकेट, देखो यहाँ पे कंटेन डुप्लीकेट, बट सेट कैनॉट कंटेन डुप्लीकेट डेटा. सो सेट कभी भी डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करता है और लिस्ट करता है. मैप्स कंटेन्स यूनिक की विथ वैल्यू, प्रोवाइड रेंडम एक्सेस टू द की. सो इसमें क्या होता है कि मैप में क्या है कि आप की और वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करते हो, लेकिन इसमें नहीं, इसमें कुछ अलग कंसेप्ट है, इसमें डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हो. द हायरार्की ऑफ द कलेक्शन, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कलेक्शन का हायरार्की क्या है, कलेक्शन कैसे काम करता है, क्या क्या इंटरफेसेस हैं. लेकिन इसमें हम एक थ्रोली इंट्रोडक्शन देते हैं कलेक्शन के बारे में. सो इंटरफेस कलेक्शन, कलेक्शन इज नथिंग बट इट इज ए इंटरफेस, एंड दिस इंटरफेस इज हैविंग ए सेट इंटरफेस, सेट इज इंटरफेस, लिस्ट इज इंटरफेस, क्वी इज इंटरफेस. सो कलेक्शन के पास जो भी फीचर होगा वो बाय डिफॉल्ट इसके पास आ जाएगा, सेट, लिस्ट और क्वी के पास, क्योंकि ये क्या किया है उसको
इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, तो एक्सटेंड किए हुए हैं। तो इसमें बताया गया कि अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यानी कि जो इंटरफेस सॉर्टेड सेट है ये भी एक इंटरफेस है जो इंटरफेस सेट को एक्सटेंड किया हुआ है। बोथ आर एक्सटेंड, आप जैसे जानते हो कि इनहेरिटेंस कंसेप्ट में अगर बोथ आर सेम इट मींस इंटरफेस इंटरफेस क्लास क्लास देन एक्सटेंड, बोथ आर डिफरेंट देन इम्प्लीमेंट। ओके, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट, इसमें क्या होता है सेट में अलाउ नहीं होता है डुप्लीकेट एलिमेंट एंड परमिट्स नल वैल्यू बट ओनली वंस एज डुप्लीकेट आर नॉट अलाउ। ओके गुड, बट यहाँ पे मैप एक अलग एरिया है, मैप के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक अलग एरिया है जिसमें क्या होता है इंटरफेस सॉर्टेड मैप होता है, इंटरफेस मैप होता है जिसमें की और वैल्यू के रूप में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है की साइड, बट वैल्यू साइड वी कैन इंसर्ट डुप्लीकेट ऑल्सो। ओके, सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ कलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने क्लासेस हैं, क्या हायरार्की है उसका। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कलेक्शन कोर इंटरफेस है, सबसे जिसको बोलते हैं रूट इंटरफेस। इस इंटरफेस को मतलब एक्सटेंड किया हुआ है सेट लिस्ट एंड क्वी, सो ऑल दीज आर एक्सटेंडिंग दिस एंड देन आफ्टर हैविंग सम क्लासेस दोज क्लासेस आर एक्सटेंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस इंटरफेस। सो ये जितने क्लासेस आपको दिख रहे हैं ए तीन क्लासेस ये सभी क्या किया है, इस सभी क्लासों को इन सभी को इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड किए हुए हैं, जिससे क्या होगा कि इनके फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक हायरार्की है और हमें एक एक करके सबको समझना है कि हैश सेट क्या होता है, लिंक हैश सेट क्या होता है, सॉर्टेड सेट क्या होता है, ट्री सेट क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, प्रायोरिटी क्या होता है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द हैश सेट आर नॉट सिंक्रोनाइज अनऑर्डर्ड एंड अलाउ नल। जस्ट आप ये याद कर लो, नॉट सिंक्रोनाइज ऑर्डर मेंटेन डबली लिंक लिस्ट अलाउ नल, लिंक लिस्ट का काम होता है, सॉर्टेड सेट का या ट्री सेट का आप कह सकते हो कि नॉट सिंक्रोनाइज ग्रांटनेस नेचुरल ऑर्डर्स एंड कंपेरेबल इंटरफेस एंड फास्टर भी होता है ट्री सेट। उसके बाद एरे लिस्ट की बात करो, वेक्टर का बात करो, तो एरे लिस्ट में क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होता है नॉन सिंक्रोनाइज होता है। ओके, और वेक्टर क्या होता है सिंक्रोनाइज होता है, तो ये मल्टी थ्रेड में यूज करते हैं वेक्टर का, ये लेगेसी क्लासेस भी है। एरे लिस्ट बहुत अच्छा है जिसमें हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं और नॉन सिंक्रोनाइज है। उसके बाद लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट क्या होता है नॉट सिंक्रोनाइज है लिस्ट बट वर्क एज ए स्टैक क्वी एंड डी क्वी के जैसे यूज करता है लिंक लिस्ट। ओके, नॉट अलाउ नॉल ऑर्डर टू बी बेसिक प्रायोरिटी, तो आप ऐसे ऐसे जान सकते हो, लेकिन वन बाई वन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस इज हायरार्की यू क्लियर्स। ओके, तो नेक्स्ट है मैप हायरार्की। तो मैप हायरार्की जैसे ही कि आप जैसे मैप की बात करें हो तो इसमें की और वैल्यू पेयर होता है। ओके, इसका जो हायरार्की है हैश टेबल लिंक हैश मैप एंड हैश मैप ट्री मैप। सो बेसिकली जैसे कलेक्शन का है उसी तरह इसमें मैप का भी है और ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। सो आप इसे देख सकते हो, एक बार पढ़ सकते हो कि सिंक्रोनाइज कौन सा है नॉन सिंक्रोनाइज कौन सा है। तो बेसिकली इंटरव्यूअर को ये मालूम होना चाहिए कि आपको हैश टेबल का यूज कहाँ करना है, लिंक हैश मैप का यूज कहाँ करना है, हैश मैप का यूज कहाँ करना है, ट्री मैप का यूज करना कहाँ है। सो यू जस्ट नो अबाउट द व्हाट इज द यूज ऑफ इट एंड वेयर आई हैव टू यूज। सो आपसे इंटरव्यूअर यही पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है कि क्लास का यूज कब करोगे, वेयर यू चूज दिस क्लास, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस क्लास, दैट्स इट। I hope this is clear for you. Thank you so much for watching my video. Please subscribe.